अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ग्रुप से रिलेटेड पढ़ेंगे और सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन, इस तरह से रिलेटेड, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ जो है पीपीएससी सिस्टम में इससे रिलेटेड, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, और इसलिए हम लोग आज ग्रुप के बारे में, जस्ट ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ग्रुप होता क्या है इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ग्रुप होता क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन अंडर स्टेरिक इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। स्टेरिक, स्टेरिक में हमारे पास ऑपरेशन आते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो उसको हम अंडर स्टेरिक ग्रुप कहेंगे इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करें और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट करे। ठीक है, कुलैयर लॉ मीन्स के अगर कोई भी हमारे पास कोई एक ग्रुप डिफाइन है, सेट डिफाइन है, ठीक है, और उसमें से हम कोई भी एलिमेंट ए और बी, कोई भी एलिमेंट ले लें और वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता हो तो हम लोग कहते हैं कि कुलैयर लॉ एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन, जैसे कि ये अंडर एडिशन डिफाइन हुआ है, इसी तरह अंडर मल्टीप्लीकेशन भी, जहाँ जहाँ पर एडिशन के साइन आ रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई के साइन लगा देना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास टू एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में। अंडर एडिशन हमारे पास जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और अंडर मल्टीप्लीकेशन वन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ए, अगर कोई भी एलिमेंट ए जो ग्रुप जी से बिलोंग करता है तो ई बी बिलोंग करना चाहिए जी से। ई मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए मीन्स कोई भी अगर हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं ग्रुप से, सेट से, तो उसका इनवर्स भी ऑफिशियली एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ से मैंने जैसे अगर ए बिलोंग करता है जी से तो इट्स मीन कि उसका इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए जी से। ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन ग्रुप की कि अगर ये फोर एक्सियम हमारे पास सेटिस्फाइड होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई भी आप लोग सेट लेते हैं तो हम लोग इजिली इन फोर प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आइदर वो हमारे पास जो सेट है वो ग्रुप है या नहीं है। इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो इट्स मीन कि वो हमारे पास ग्रुप नहीं है। अक्सर इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्रुप वाइड क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, टेस्ट पेपर्स में, तो हम लोग इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये यही चीजें हैं जो हम लोगों ने ऊपर ये फोर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है ना, क्लियर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये यही चीजें हैं। अब ग्रुप, ग्रुप वाइड किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन हुआ है, अ सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन अंडर स्टेरिक इज कॉल्ड ग्रुप वाइड इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। A स्टेरिक B बिलोंग टू G. A स्टेरिक B means under addition A plus B भी हो सकता है, A minus B भी हो सकता है, multiplication भी हो सकती है, means ये अगर आप गौर करें तो ये कुलैयर लॉ वाली प्रॉपर्टी बनती है। मतलब हम उस सेट को ग्रुप वाइड कहेंगे कि अगर उसमें कुलैयर लॉ होल्ड करता है। एक एग्जाम्पल इसके नीचे दी गई है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। एक जी ग्रुप को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और उसमें एलिमेंट्स लिए हुए हैं, इनफाइनाइट टर्म तक एलिमेंट्स लिए हुए हैं, और उसको डिफाइन किस तरह किया हुआ है, ए प्लस बी, ए स्टेरिक बी को डिफाइन किया हुआ है ए प्लस बी माइनस वन। अब हम लोगों ने चेक करना है कि क्या कुलैयर लॉ जो है वो होल्ड करता है या नहीं करता। तो हम लोगों ने ए बी को बिलोंग करवाया जी से, सारी बात है, हम यहाँ से कोई भी टू एलिमेंट्स लेके आप जी में से वन टू थ्री फोर कोई भी एलिमेंट्स ना यहाँ से लेके इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग करता है जी से तो इट्स मीन कि उसका सम भी बिलोंग करेगा जी से, और उसके सम में हम कोई भी एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जाहिरी बात है कि वो भी जी से बिलोंग करता है। आप कोई भी टू एलिमेंट्स को उठा के इसमें पुट करके देख सकते हैं तो जो भी एलिमेंट आएगा वो इन्ही में से बिलोंग करेगा। तो इट्स मीन कि ये कुलैयर प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये वाली जो एग्जांपल है हम लोग कहेंगे कि ये ग्रुप वाइड है। इसके बाद आ जाते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, नॉन एम्प्टी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ
तो ये वही सेकंड प्रॉपर्टी जो ग्रुप की बन रही है, ठीक है। अगर वो हम लोग कहते हैं कि ग्रुप जी जो है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, तो वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा? सेमी ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग ये जैसे कि एग्जांपल नीचे दी हुई है, सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट अ सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। जी बिल्कुल, कोई भी एलिमेंट्स हम लोग थ्री एलिमेंट्स को ले लेते हैं और उस पर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करवाया, क्योंकि हमें गिवन है कि अंडर सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने इसको विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है, तो हम लोगों ने माइनस के लिहाज से, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। इट्स मीन कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो अंडर सब्ट्रैक्शन सेमी ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है मोनोआइड। मोनोआइड आइडेंटिटी एलिमेंट्स को कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप है, अ सेमी ग्रुप जी इज कॉल्ड मोनोआइड इफ एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी सच दैट ए स्ट्रेरिक ई इज इक्वल टू ई स्ट्रेरिक ए इज इक्वल टू ए। हियर ए ई, व्हाट इज ई? ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट को शो कर रहा है, ठीक है ई। और मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि अगर हमें किसी भी अगर कोई गिवन सेट दे दिया जाता है, ठीक है, और उसको कहते हैं कि चेक करें कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब आगे वो रेस्ट्रिक्शन भी बता देते हैं कि अंडर एडिशन चेक करना है या अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर एडिशन हमारे पास जीरो जो है वो हमारे पास होगी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और अंडर मल्टीप्लिकेशन वन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि अंडर एडिशन जीरो होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन वन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी ग्रुप को कब मोनोआइड कहेंगे? कि जब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल हमें दी हुई है सेट ऑफ इंटीजर्स की, हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, उन्होंने कहा है कि इसको चेक करें कि ये मोनोआइड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स को अगर हम उसमें ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो वही सेम एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से टू एलिमेंट्स को उठाया है, ए को टू के इक्वल लिया, और अंडर एडिशन हम अगर चेक करें तो हमें पता है कि अंडर एडिशन हमारे पास जीरो होती है, तो वो अगर हम लोगों ने उसमें जीरो ऐड किया तो सेम एलिमेंट टू ही हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन देखनी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और ई की जगह पर वन लगा देंगे तो वही सेम एलिमेंट टू आएगा। इट्स मीन के ये जो सेट है ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन दूसरा मोनोआइड है। लेकिन यहाँ पे देखें क्योंकि इस सेट में जो हमें सेट ई गिवन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे पास वन नहीं है, तो हमने इस सेट को अगर देखें गौर से तो इसमें वन क्योंकि इंक्लूड नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये जो सेट है वो मोनोआइड नहीं है। इसके बाद आ जाए ग्रुप। ग्रुप किसे कहते हैं? अब हम फाइनल डेफिनेशन ग्रुप पे आएंगे कि जब वो तीनों प्रॉपर्टीज कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और हमारे पास मोनोआइड जो है वो थ्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, और फोर्थ ये वाली प्रॉपर्टी let g be a monoid for each a belong to g, there exists b belong to g such that a steric b is equal to e is equal to b steric a। here ab a kya hai? a agar hamare paas koi bhi element hai, aur b kya hoga? b uska inverse hoga, theek hai। koi bhi element aur uske inverse ko hum aapas mein multiply kare, add kare, hamare paas identity elements aana chahiye, to hum log kehte hain The element B is called inverse of A and is denoted by A inverse, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ग्रुप की जो डेफिनेशन होगी वो कम्प्लीट हो गई, ठीक है, कि एक ऐसा मोनोआइड ग्रुप A बिलोंग करेगा G से, तो एक there exists B belong to G such that A steric B is equal to B steric A is equal to E, और B क्या है? ये inverse है किसका? A का। इसके बाद हम लोग अब फाइनल, ये तो थी छोटी छोटी एग्जांपल्स साथ इन डेफिनेशंस की दी हुई थी, अब हम ग्रुप की फाइनल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जी, बी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से एंड एक्स भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से, और ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह डिफाइन किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं f1, f2, f3, ठीक
ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो आर से आर की तरफ डिफाइन हुआ हुआ है, और इसमें जो एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं वो किस तरह का है, ए एक्स प्लस बी, और ए हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, हम लोग ग्रुप की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुलैयर लॉ की, ठीक है, हम वो चेक करते हैं। उसके लिए क्या किया है, एफ वन और एफ टू, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, एफ वन और एफ टू को बिलोंग करवाया है टी से। अब एफ वन एक्स और एफ टू एक्स जिस तरह का फंक्शन हमारे पास डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने एलिमेंट्स को रीअरेंज करके लिख लिया है। एफ वन एक्स में किस तरह के एलिमेंट ले लिए हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन, और ए वन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। इसी तरह एफ टू एक्स हमारे पास इक्वल है ए टू एक्स प्लस बी टू, और ए टू जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया है, एफ वन ऑफ एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन ऑफ एफ ऑफ टू एक्स। एफ ऑफ टू एक्स की अब हम लोगों ने क्या किया है, वैल्यूज को पुट किया है, क्या हमारे पास वैल्यूज है ए टू एक्स प्लस बी टू। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो फंक्शन के अंदर जो बाहर फंक्शन है f1, उसमें क्या करना है, ये वाली वैल्यूज को उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना है किस जगह पर, x की जगह पर, ठीक है। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास a1 a2, इसको हम लोगों ने कह दिया है कि ये हमारे पास इक्वल टू c है, जैसे कि मैंने ये राइट हैंड साइड पे नीचे मेंशन भी किया हुआ है, और ए वन बी टू प्लस बी वन ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट ही है, जैसे कि ऊपर बी वन जिस तरह के एलिमेंट्स जो है, तो इसको भी किसी भी आप जस्ट बी का नाम दे लिया। तो ये कुलैयर लॉ, ये सेम देखें उसी तरह के एलिमेंट्स बन रहे हैं जिस तरह का हमारे पास फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, तो इट्स मीन कि कुलैयर लॉ होल्ड करता है। उसके बाद हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ को देखा है। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम लोगों ने क्या किया, थ्री कोई भी थ्री एलिमेंट्स ले लिए हैं टी से, उनको डिफाइन किया है इस तरह, उन पर भी ये सारा हम लोगों ने करवाया है। जस्ट क्या करना है कि ये जो लास्ट पे a1 a2 a3 को बेशक आप एक a का नाम दे दें, जिस तरह हमारे पास फंक्शन में डिफाइन, क्योंकि ये भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, और इसके बाद ये जो अगली सारी वैल्यूज हैं, क्योंकि इनमें वेरिएबल्स नहीं आ रहा, इन सबको हम एक b के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि ये सेम टू सेम उसी तरह के एलिमेंट्स बन रहे हैं जिस तरह हमारे पास फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, तो इट्स मीन कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हम लोगों ने चेक किया है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, उसके लिए हम लोगों ने इस तरह के एलिमेंट्स को डिफाइन किया है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हम लोग इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे, लेकिन फंक्शन में हमारे पास गिवन है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरोज है, तो एफ ऑफ एक्स तो जैसे डिफाइन है हम लोगों ने उसको इस तरह उठा दिया, और जी ऑफ एक्स में हम लोगों ने ए को क्या कह दिया है, वन। क्यों वन कहा है, जीरो क्यों नहीं कहा, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास गिवन है कि जो ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बी को क्या कर दिया, जीरो ले लिया। फिर ये वाली प्रॉपर्टी फॉग इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू एफ, इसको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है, एफ ऑफ फॉग और गॉफ। तो ये जब हम लोगों ने इसको इम्प्लाइज करवाया, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोगों ने, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आ रही हैं, इट्स मींस के हमारे पास क्या है, फंक्शन के इक्वल वैल्यूज आ रही हैं, तो इट्स मीन के आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करता है, एग्जिस्ट करता है। इसके बाद है इनवर्स एलिमेंट, उसको हम लोगों ने क्या करना है, इनवर्स के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका इनवर्स जो होता है, जैसे कि वन है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, वन होगा, लेकिन अगर टू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें इनवर्स को किस तरह डिफाइन करेंगे। इनवर्स मींस क्या होता है कि अगर हम उस एलिमेंट को क्या करें, उसके साथ ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास सेम टू सेम एलिमेंट्स आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आना चाहिए। अब जैसे कि टू है, तो टू के साथ मैं क्या करूँ कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, अंडर मल्टीप्लीकेशन देखूँ मैं अगर, तो मैं क्या करूंगी, वन ओवर टू के साथ उसको डिवाइड करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाएगा, सही है। इसी तरह मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस बी, और जी ऑफ एक्स को मैंने इस तरह डिफाइन कर लिया है। तो अब मैं अगर इस पर ये ट्रांसपोजिशन अप्लाई करूं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं, तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स आना चाहिए। तो मैंने फॉग को पहले अप्लाई किया, ठीक है,
तो जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है? हम लोगों ने इस तरह के एलिमेंट्स को डिफाइन किया, 1/a (x-b). तो ये यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल वैल्यूज आ रही है? एक्स के इक्वल वैल्यूज आ रही है। इसी तरह गॉफ को मैंने डिफाइन किया है, गॉफ के अंदर वैल्यूज को पुट किया तो मम्मी हमारे पास एक्स आ रहा है। मीन्स के ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आ रही हैं, और एक्स एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है? एक्स के इक्वल आ रही हैं और एक्स किधर से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मीन्स ये क्या हो सकता है? ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। मीन्स इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह ये 4 प्रॉपर्टीज जो हैं इस फंक्शन पर जो है सेटिस्फाइड हो रही हैं। इट्स मीन कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास इस तरह की डिफाइन हुई हुई है वो ग्रुप है। ये एक ग्रुप की एग्जाम्पल थी। इसके बाद हम लोग ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? लेट करते हैं कि जी में हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है ई ए बी, ठीक है? ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कंस्ट्रक्ट अ कैली टेबल इन सच अ वे सो डैट जी बिकम अ ग्रुप। उन्होंने कहा है कि कैली टेबल की मदद से इनको हम लोगों ने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। अब कैली टेबल किस तरह बनता है? जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? स्टेरिक ई ए बी को एलिमेंट्स को इधर भी डिफाइन कर दिया है, इधर नीचे भी ले आए हैं, ठीक है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनको लिख लिया है, और फिर क्या किया है कि इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते गए हैं। फर्स्ट रो में ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ही आएगा, जाहिर बात है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ही आएगा, और किसी भी एलिमेंट के साथ जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो भी सेम एलिमेंट्स आएगा। जब ई को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी ए ही आएगा, ई को बी के साथ करूंगी तो बी ही आएगा। इसके बाद ए को उठा लूंगी, ठीक है? कॉलम से ले रही हूँ ए को, ए को अब फर्स्ट एलिमेंट जो ई है ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो फिर ए ही आएगा। जब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ए स्टेरिक ए, ए स्टेरिक बी। इस तरह बी को भी उठा के सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया सेपरेट सेपरेट, ठीक है? अब हम लोग क्या कहते हैं नीचे? हम लोग कह रहे हैं कि या तो हमारे पास आइदर ए स्टेरिक ए इज इक्वल टू ई आर ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ई। बिल्कुल ये जो लास्ट टू रोज हैं आप उसमें देखें, क्योंकि हमारे पास ए आ रहा है, एक रो में ए आ रहा है, ठीक है? और बी सेकेंड रो में बी आ रहा है। इसके बाद ये जो फोर्थ जो लास्ट पे ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ए स्टेरिक ए स्टेरिक बी, बी स्टेरिक ए, बी स्टेरिक बी, इसमें से हमें ये नहीं पता कि ये इसमें से ए स्टेरिक ए आइडेंटिटी है या ए स्टेरिक बी आइडेंटिटी है, बी स्टेरिक। तो हम लोग खुद से लेट कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि ए स्टेरिक ए जो है वो हम लोग कहते हैं बी के इक्वल है और ए स्टेरिक बी जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। किस तरह? हम लोग कहते हैं ए एलिमेंट है और बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल है। इस तरह हम लोग लास्ट रो में बी स्टेरिक ए को हम लोगों ने कह दिया कि ये हमारे पास ए के इक्वल है, और बी स्टेरिक बी को हम लोगों ने कह दिया है, बी स्टेरिक ए को कह दिया कि ये ई के इक्वल है। बी कोई भी एलिमेंट है और ए उसका इनवर्स है, ठीक है? तो ये वही वैल्यूज को यहाँ पे दोबारा ये जो कैली टेबल है इसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया जिस तरह हम लोगों ने इनको लेट किया था। अब जाहिर बात है ग्रुप में हमारे पास कौन से एलिमेंट डिफाइन है, ई ए बी। तो कोई भी अगर हम लोग 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं ए या बी, ठीक है, तो वो कुलैयर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट करेगा। आप यहीं से यही 3 एलिमेंट्स को डिफाइन करके उठा के उसपे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करवाएं तो वो एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक हो गया, तो वो भी एग्जिस्ट करता है। ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, बिल्कुल जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली वैल्यूज, ठीक है, ए स्टेरिक बी को कहा है ई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर ए हमारे पास एलिमेंट है तो बी उसका इनवर्स है। इस तरह बी अगर एलिमेंट है तो ए उसका इनवर्स है, और तभी वो इक्वल होगा किसके, आइडेंटिटी के। इट्स मीन कि हमारे पास जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर रही है, तो हम इसको कहते हैं कि जी जो है वो हमारे पास ग्रुप है। ये अगेन ये ग्रुप की डेफिनेशंस आ रही हैं। हाँ जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जाहिर बात है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बाय हैंड हर प्रॉपर्टी को सॉल्व करें, तो बेटर है कि आप लोग इनको देख के याद कर लें या माइंड में रख लें एक दफा।
तो ये आपको बहुत फायदा होगा इस चीज से, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल है जो हमारे पास ग्रुप होती हैं, अंडर एडिशन होती हैं या अंडर सब्ट्रैक्शन होती हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड में हमें बताया हुआ है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया हुआ है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल दी हुई है वन, इसमें इस तरह के एलिमेंट है वन माइनस वन अयोटा माइनस अयोटा अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी हमारे पास ग्रुप होता है। इसके बाद ये कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि आइदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो थर्ड एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स दिए गए हों, ठीक है, अब यहाँ पे एक एलिमेंट्स डिफाइन किया हुआ है एम और टू ऑफ आर, मतलब रियल नंबर से हम लोगों ने ये कोई भी एलिमेंट्स उठाए हैं और हमारे पास ये जो फर्स्ट में टू शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है, ठीक है, टू रोज एंड टू कॉलम्स का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप होगा जब ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है, ए बी सी डी। इसके बाद हम लोगों ने ये फोर पे भी बताया हुआ है कि अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो ये सेट जो होगा वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब उसमें अंडर एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, तो ये अंडर एडिशन कैसे ग्रुप हो सकता है। हाँ, अगर जीरो इंक्लूड हो, सेट ऑफ रियल नंबर में जीरो इंक्लूड हो तो ये अंडर एडिशन भी ग्रुप है, लेकिन यहाँ से उन्होंने रिमूव कर दिया है कि ये जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जो एलिमेंट्स हैं वो वन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होगा। इसके बाद ये फाइव में भी बताया हुआ है, बिल्कुल अगर ये इक्वल टू वन रख दिया जाए, ठीक है, ये एक ही चीज है, बड़े ध्यान से बस समझने वाली बात है कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो शामिल नहीं है, तो जाहिर बात है फिर वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वन होता है, और अगर वो कहते हैं कि वो वन के इक्वल है तो जाहिर बात है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद सिक्स में आ जाए, इस तरह के एलिमेंट्स डिफाइन हुए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ये भी अंडर एडिशन जो होगा वो ग्रुप होगा मॉड्यूलो एन, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इस तरह के अगर एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवन वाला जो है, यू ऑफ एन इज इक्वल टू जे बिलोंग टू जी एन, जे के जो एलिमेंट हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और जे ऑफ एन मतलब अगर उनका सम लें तो वो इक्वल टू वन होता है, तो ये ग्रुप होता है जी अंडर मल्टीप्लीकेशन, वो बता रहे हैं, ठीक है। अब ये आगे बताया हुआ है कि यू ऑफ टेन, वन थ्री सेवन नाइन, इस तरह के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं और हमने बताना है कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो टेन। अब ये जो टेन, ये क्या चीज है, अब जरा हम लोग इस पे गौर करते हैं, ठीक है, वन थ्री सेवन नाइन, ठीक है, कैली टेबल हम लोगों ने जैसे पहले भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, इसका भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वन को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रो में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम वही एलिमेंट्स लिख लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो कॉलम वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, रो के हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग वो आंसर्स लिखते जाते हैं। वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एलिमेंट्स आएंगे, इस तरह थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वन आर थ्री, थ्री थ्री आर नाइन, थ्री सेवन आर ट्वेंटी वन, अब थ्री सेवन आर ट्वेंटी वन तो वो तो हमारे पास जो ग्रुप हमारे पास डिफाइन हुआ हुआ है यू ऑफ टेन उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे गौर करें कि उन्होंने ये एंड पे बताया हुआ है मॉड्यूलो टेन। इट्स व्हाट इट्स मीन, इट्स मीन कि हम लोगों ने क्या करना है, ट्वेंटी वन को टेन पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है, रिमाइंडर जो हमारे पास बचता है हम लोगों ने उसको राइट करना है, ठीक है,
रिमाइंडर को हम लोगों ने क्या करना है, राइट करना है. तो जब हम लोग 10 को 21 को 10 पे डिवाइड करेंगे, तुम्हारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा. इसी तरह 3 9 20 7 रिमाइंडर 7 बच जाएगा. इसी तरह मतलब ये नीचे भी हम लोगों ने क्या करने हैं, ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको 10 पे डिवाइड करके वो सारे एलिमेंट लिख लेने. तो ये जो बनेगा, तो ऑब्वियसली आप कोई भी एलिमेंट्स अप्लाई करें, ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है इसका. हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, कुल ये लॉ भी होल्ड करता है. तो ये भी हमारे पास ग्रुप है. आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट 8 पे जो आ रहा है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो डिफाइन भी हुए हुए हैं किस तरह के होते हैं. और ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये जो हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी, ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन. इसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास एक सेट डिफाइन किया गया है R ऑफ n, सेट ऑफ रियल नंबर को डिफाइन किया हो गया है, n सेट ऑफ रियल नंबर को, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 to an है, और ai कहाँ से बिलोंग करते हैं, R से. वो कहते हैं कि ये भी ग्रुप होंगे अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन. अगर हम इनको कंपोनेंट वाइज एडिशन करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, ग्रुप होगा, ठीक है. तो अगर आप इन सब को एक दफा देख लें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ हमारे पास. इसके बाद ये आ जाती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप की, के इन अ ग्रुप जी देयर इज ओनली 1 आइडेंटिटी एलिमेंट्स. बिल्कुल जी, कोई भी अगर ग्रुप दिया गया हो, कोई भी ठीक है ग्रुप डिफाइन हुआ हो, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होना चाहिए, ठीक है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है, ठीक है. और वो पता है हमें कि अंडर एडिशन 0 और अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 होता है. इन अ ग्रुप जी द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक, मीन्स के ग्रुप में जो भी एलिमेंट डिफाइन हुए हैं उनमें से एलिमेंट्स का एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है फॉर ग्रुप एलिमेंट्स ए बी. हाँ जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, पेपर्स में मोस्टली आ जाता है कि ए बी का इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स,